नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली 99 और मैं चारू। जहां एक ओर सरकार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों के समाधान ढूंढने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से एक खुशखबरी सामने आई है, जिसके चलते अगर पेट्रोल की कीमतें हो सकता है कम हो जाएं। आपको बता दें कि रूस की तरफ से कच्चे तेल में ढील देने के बाद में ये खबर सामने आई है कि अब हो सकता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएं। इतना ही नहीं, शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड में करीब 40 सेंट्स की कमी आई थी, जिसके बाद से पेट्रोल 78.35 डॉलर प्रति बैरल हो गया था। इसके बाद कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर ना ही सिर्फ लगाम लगेगा, बल्कि हो सकता है कि ये कीमतें कम भी हो जाएं। आपको बता दें कि रूस और सऊदी में कच्चे तेल के निर्यात पर जो फैसलों में ढील दी गई है, उसके बाद ये खबर सामने आई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद से ही 12 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, और कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि देश में कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 85 रुपये प्रति लीटर से भी ऊपर चली गई थी। अब देखते हैं कि सरकार इस पर क्या करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस तरीके के बदलाव से इस देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर क्या असर पड़ता है। बाकी और खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करिए दिल्ली 99।